रहा जब तक वो ढकने वगैरह से मिलता था। मेरा जी आइए प्लीज। गुरमीत जी आ गए हैं, वेलकम सर। जैसा सब लोगों को पता है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी स्थापना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 लाल किले से शुरू की थी और उसकी शुरुआत होते होते आप यहाँ तक पहुंचे कि हर साल 2 अक्टूबर को हम ये नया प्लेज लेते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। दादा मुंबई महानगर पालिका HS वार्ड के मार्गदर्शन में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। विनायक घोसपिते जी हमारे यहाँ के DMC ढाकने साहब और सारे MCGM के स्टाफ, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे स्टाफ, ये सब मिल करके सारे वॉलंटियर के साथ करके आज ये प्रण लिया है हमने कि सिर्फ HS वार्ड को नहीं पूरी मुंबई को हम एक मिसाल बनाएंगे स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता ही सेवा है और इसमें आम आदमी के साथ साथ बहुत बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लोग जुड़े हैं। विनायक घोसपिते जी और हमारे DMC डॉक्टर सर के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे बीच बहुत ही पॉपुलर एक्टर गुरमीत चौधरी जी। गुरमीत चौधरी हियर, वेरी ब्यूटीफुल वर्धा नडियाड़ वाला, वेलकम वर्धा जी। जहान खान इज हियर विद अस, जहान जी बहुत बहुत, और हम सब के बहुत ही फेवरेट मुनव्वर फारूकी भी यहाँ पर है। कुछ ही देर में यहाँ पर करण कुंद्रा जी भी होंगे, इस प्रोग्राम का आगाज होगा। तो मैं चाहूँगा आसिफ बाबला जी, सब लोग, हम लोग सब जब तक सबसे वॉलंटियर से मिले, और जैसे हमारे आदरणीय आमदार आशीष शेलार जी यहाँ पहुँचेंगे हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और ये एक बार फिर बताना चाहूँगा कि HS वार्ड मुंबई महानगर पालिका विनायक घोसपिते जी के मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सारे MCGM के स्टाफ और सारे आए हुए वॉलंटियर्स यहाँ पर, इनका सबका बहुत बहुत स्वागत। और बस कुछ ही देर में जैसे हमारे आमदार साहब आएंगे इस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करेंगे। जब तक आप देख रहे हैं कि ये सारे स्टार्स जो हमारे बीच हैं, ये हम सब के साथ मिलकर के सफाई अभियान में हमारा साथ देंगे और आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे सफाई के बारे में। जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्वच्छता किस तरह से ली है, पर्यावरण और स्वच्छता साथ ही साथ। मैं फिर से एक बार विनायक घोसपिते जी, हमारे जो वार्ड असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर HS वार्ड का, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आदेश पे आज पूरे इस HS वार्ड में कार्यक्रम सारा हो रहा है। जैसे हमारे आमदार साहब आएंगे हम सब मंच पर आकर के फिर ये प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। लीजिए हमारे बीच हमारे बांद्रा पश्चिम के आमदार, कार्य सम्राट आमदार आशीष शेलार जी का भी आगमन हो चुका है। आशीष शेलार जी का भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे। अब मैं चाहूँगा कि गुरमीत जी प्लीज मंच पर आए, वर्धा जी, जहान एंड मुनव्वर प्लीज कम ऑन स्टेज आइए। हमारे बांद्रा के कार्य सभी माननीय श्री आशीष शेलार साहब का, एक वे जोरदार टाया ने आशीष शेलार साहबांचं स्वागत करूया। जोरदार जुक्का, आवाजच येत नाही, पीछे रहेंगे तो मिलेगा। नमस्कार साहब, आज एक छोटा सा मी तुम्हाला विनंती करेन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत जी, वर्धा जी प्लीज स्टेज के आगे आ जाइए। हमारे आदरणीय आमदार आशीष शेलार जी भी यहाँ पर हैं। राज हमारे बीच संजय नायक जी,
सर प्लीज फोटोग्राफर से भी रिक्वेस्ट है कि नीचे आ जाएंगे तो सारे लोग जो हमारे वॉलेंटियर जो वो सारे हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे आमदार जी को देखेंगे वरदा जी दोस्त है वो दोस्त है दोस्त ही है अरे कृष्णा पीछे आओ ना अब ये देख रहे हो क्लोजअप मारने अरे नहीं ये लोग अरे यार ए भाई ए राजा इतना आगे क्यों जा रहा है यार ए चलो भाई पीछे चलो अपन पीछे चलते हैं ना चलो 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 सब लोग पीछे चलो सर हमें थोड़ा पीछे जाइए ना प्लीज आप पीछे थोड़ा पीछे जाइए आइए थोड़ा पीछे जाइए हमारे वॉलंटियर्स प्लीज प्लीज कार्यक्रम हमारा पूरे स्टार्ट करें थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ना राजा हमारे डीएमसी रंजीत घाटले जी और विनायक बिस्कुट जी हमारे आमदार श्री आशीष शेलार जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियां मैडम मैडम अंदर पीछे रहो पीछे रहो विनायक बिस्कुट जी से रिक्वेस्ट है कि वो वरदा नडियाड वाला जी का भी स्वागत करें करण कुंद्रा जी के लिए जी अब मैं चाहूंगा कि बिस्कुट जी हमारे जान खान जी का भी स्वागत करें विनायक बिस्कुट जी अपना मुनव्वर फारूकी जी का फूल से स्वागत करें अरे बैठे हैं आप हम लोग खड़े हैं ना पीछे हेलो अरे यार और आसिफ बाबला जी का भी फूल से स्वागत करें हमारे जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर रंजीत ढाकने जी का भी स्वागत बिस्कुट जी करेंगे आशीष सरदार जी काफी देर लोग खड़े हुए मैं चाहूँ कि अपने विचार अब आज के दिन रखें हमारे एसडब्ल्यूएम के एई भोंगे साहब विनायक बिस्कुट जी का स्वागत करेंगे आशीष सरदार साहब प्लीज थोड़ा सभी थोड़ा कोऑपरेट करें बहुत ही बाजू उठो कॉर्डलेस के बन गए तो आप आज से बहुत नए काम पूरे देश में सभी हमारे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एनजीओस स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे समाज के